दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ऐसे बहुत ही कमाल के टॉप 3 मोबाइल वीडियोग्राफी टिप्स करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा से करते हैं। एंड हमने इस वीडियो में जो भी वीडियोग्राफी करी है वो आप भी अपने खुद के मोबाइल से कर सकते हैं, कोई आपको महंगा फ्लेक्सिबल फोन खरीदने की जरूरत नहीं है। सो गाइस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। एंड हमने मोबाइल वीडियोग्राफी के ऊपर बहुत सी वीडियो बना के रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने पहला वीडियो देखा, इसमें सबसे पहले फ्रंट साइड से हमें कैमरा शूट कर लेना है। और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि शूट करने के बाद और एडिट करने के बाद आपका वीडियो कैसा दिखता है। फिर दोस्तों सेकंड सीन में हमें कैमरा एंगल लोवेस्ट रखना है और कैमरे को जमीन पे अड़ा देना है, घास फूस एरिया हो वहां पर। फिर जब भी मॉडल नजदीक आता है तो हमें कैमरा उसके साइड ले लेना है। फिर दोस्तों वीडियो शूट हो जाने के बाद हमें उस वीडियो को 3D LUT एप्लीकेशन के अंदर एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद आपका वीडियो कुछ इस टाइप से दिखने वाला है। तो अगर आपके पास 3D LUT एप्लीकेशन नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अब बारी है थर्ड सीन की। थर्ड सीन में भी हमें लोएस्ट एंगल से ही शूट करना है, लेकिन यहाँ पर हमें फ्रंट साइड से शूट करना है। फ्रंट साइड से शूट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का फुटेज मिलने वाला है। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि फोर्थ सीन कैसे शूट करना है। फोर्थ सीन में भी स्कीटी लगानी है मॉडल को, लेकिन हमें शूट करना है दूर से शूट कुछ इस टाइप से कर लेना है। शूट करने के बाद आपको वीडियो को स्लो मोशन ऐड कर लेना है। और दोस्तों अगर आपसे स्मूथ स्लो मोशन नहीं होता तो मैं आपको काइनमास्टर और पावर डायरेक्टर की प्रीमियम लेटेस्ट एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लेटेस्ट एप्लीकेशन में स्मूथ स्लो मोशन होता है, तो आप उस एप्लीकेशन का यूज करके स्लो मोशन अच्छा कर सकते हो। सेकेंड वीडियो में आपने देखा होगा कि 3D लुक आ रहा है वीडियो के अंदर, ये वीडियोग्राफी मेरी फेवरेट है। तो आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कौन सी पसंद आई। ये सिनेमैटिक लुक वीडियोग्राफी बहुत ही सिंपल है शूट करना। सीधा सीधा हमें लैंडस्केप मोड में कैमरा रखना है और सीधा सीधा झाड़ियों के अंदर से मॉडल तक ले आना है कैमरा को। इतना शूट करने के बाद आपको 3D LUT एप्लीकेशन के अंदर वीडियो की कलर ग्रेडिंग कर लेनी और सारे पार्ट्स में डिवाइड करके काइनमास्टर में ऐड कर लेना है। और वहां पर सेव करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का वीडियो दिखने वाला है। तो चलिए अब आ जाते हैं थर्ड वीडियो के ऊपर। थर्ड वीडियो में वीडियो एडिटिंग है। दोस्तों थर्ड वीडियो में कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ वीडियो एडिटिंग है और इसमें सिर्फ अलग अलग एंगल से वीडियो को शूट करना है और शूट करने के बाद एडिट कर लेना है। अगर आपको एडिटिंग में दिक्कत हो रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, आपके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और आपको टॉप 3 वीडियो में से जो भी वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। और दोस्तों अगर आपको कॉमेडी बिहाइंड द सीन वीडियो देखने हैं तो आप वीडियो में रुक सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मेरे ना जो मैं चाबी नहीं काढ़ी, कोई बाइक लेना नहीं ले। हाँ माम नहीं काढ़ी जो काहे थे ना आम रेवान ए वाह तो मस्ती ना अरे हंसता रहता बोला तो छोड़ू नहीं तो रेवानो હું સ્ટાર્ટ કરું ને તો આમ ઊભું થવાનું એકદમ સેડ હોવો જોઈએ, પછી આમ કઈ નામ બેસવાનું ભગવા
नाला से नाला शेड शेड पर यहां पर अच्छा सीधो बैठ से आना बैठ तो हां ए मैं कौन तैयार आयो आइयो बस चल कर मस्त पड़ा रे ये हमारे वीडियोग्राफर ये हमारे हेल्पर है पार्ट टाइमर हेल्पर कसो बंदा कसो ये पड़ी जा चल आवाज दे तो देख देव ये हमारे पार्ट टाइमर हेल्पर है आ तो ऊपर उधर गए था ખસે ને અમર ખસો